तो आज हम वेक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, पहले हम डिफाइन कर लेते हैं वेक्टर्स को। वेक्टर यानी फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, ये होते हैं वेक्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। या वेक्टर्स देखिए नहीं, लेकिन यहां पर एक चीज नोट करने वाली होगी कि क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ बट नॉट ओबेइंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। Are not treated as vector, यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होल्ड करना जरूरी है वेक्टर्स होने के लिए। They are not treated as vector. ठीक है ना, एग्जाम्पल अगर आप फिजिक्स का एक कोई एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो फिजिक्स का एग्जाम्पल हम रोटेशन ऑफ बॉडी थ्रू फाइनाइट एंगल, अगर आप रोटेशन कर लें, है ना, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो रोटेशन ऑफ बॉडी बाय अ फाइनाइट एंगल, या इसका दोनों का, इसका डायरेक्शन भी हो गया, रोटेशन का डायरेक्शन भी हो गया और मैग्नीट्यूड भी हो गया, लेकिन फिर भी इसको वेक्टर नहीं करेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है ना, हाँ, इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं, बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देयरफॉर इट इज नॉट अ वेक्टर। ठीक है ना, इसको वेक्टर के तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे। अब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, तो वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई, ऐसे हम कर देते हैं इसको रिप्रेजेंट, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय है ना, एक लाइन सेगमेंट बनाई उसके ऊपर ये ऐसे एरो मार्क कर दिया। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करेंगे, ये बन गया एक वेक्टर डायरेक्टिंग फ्रॉम पी टू क्यू। ये इस पर हम जो पी होगा
उसको हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, है ना, जहां से वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं इसको। और क्यू को हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हैं, या एंड पॉइंट भी बोल लो। ठीक है ना, ये चीज। एंड ये जो लेंथ ऑफ पी क्यू, जो लाइन सेगमेंट होगा पी क्यू, उसकी जो लेंथ ऑफ पी क्यू होगी इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना। अब हर वेक्टर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो एवरी वेक्टर हैज द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला इसमें वेक्टर का, वेक्टर की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड है, लेंथ। ठीक है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, जो पी क्यू जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। जो लाइन सेगमेंट बनेगी इसी को हम लेंथ बोलते हैं। हर वेक्टर का एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट वो होता है, ठीक है ना, इट इज द लाइन पी क्यू। PQ लाइन सेगमेंट नहीं, इट इज द लाइन PQ ऑफ विच द वेक्टर PQ इज अ पार्ट। ठीक है ना, जिस लाइन का वेक्टर पार्ट है उसी को हम लोग सपोर्ट ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ द वेक्टर। ठीक है ना, ये। और तीसरी चीज है इसका सेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वेक्टर का एक सेंस जरूर होता है, सेंस मतलब डायरेक्शन सेंस। ठीक है ना, हाँ, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर PQ, इसका मतलब PQ का, अगर मैं ऐसे PQ बोलूं तो इसका मतलब हो गया वेक्टर्स डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q, ये आपका होगा। अगर इसी को अगर मैं QP बोलता हूं तो ये हो गया वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P। Q टू P, तो ये आपका वेक्टर का सेंस कहलाता है। ठीक है ना, बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे टाइप्स के वेक्टर्स आप लोग पढ़ेंगे, तो मैं कुछ टाइप्स आपको यहां पर लिस्ट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको मिलेगा जीरो वेक्टर, जीरो बोलो या नल वेक्टर, ठीक है ना। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर में सीधे सी बात हो गई, वेक्टर उस इनिशियल
इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है ना, यानी ये जीरो वेक्टर, ऐसे लिखा जाएगा जीरो ऐसे वेक्टर, ठीक है ना। A vector having magnitude zero is called a null vector. ठीक है ना। फिर आपका आता है important जो type of vector, unit vector आता है, नाम में ही छुपा हुआ है कि ये है क्या, तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन यूनिट, वन यूनिट। इसको जनरली ऐसे जैसे एक वेक्टर ए है, ए कैप से इसको शो करते हैं ऐसे, ए कैप, तो ए कैप वेक्टर इज किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब हम डिवाइड कर देंगे तो आपको उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर है, अब इक्वल वेक्टर्स ये भी इंपॉर्टेंट टेक है टर्म, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। अगर हम दो वेक्टर्स की बात करें, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है ना, इफ तीन ही चीजें होनी चाहिए, सेम लेंथ होनी चाहिए दोनों की, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका सेम होना चाहिए। दूसरा, उनका जो सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन जिसको बोलते हैं, सेम और पैरेलल भी चल जाएगा, सेम और पैरेलल सपोर्ट जो लाइन होती है वो सेम भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। और तीसरा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, ये इक्वल हो गया। एक और आता है कोलिनियर या पैरेलल, कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स ये हो गए वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट की बात हो रही है यहां पर बस, तो वेक्टर्स हैविंग सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड की कोई जरूरत नहीं है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी कोलिनियर और पैरेलल, एक ही चीज होती है यहां पर, इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, जिस लाइन से हम दिखा रहे हैं ना वेक्टर्स को, वो लाइन या तो सेम हो या फिर पैरेलल, ठीक है ना। यहां पर एक चीज है कि ए विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कोलिनियर और
ठीक है ना। फिर आता है का रेसिप्रोकल वेक्टर्स, रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर बहुत सिंपल, सेम डायरेक्शन सेम होगा लेकिन मैग्नीट्यूड एक दूसरे का रेसिप्रोकल। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन सेंस बट मैग्नीट्यूड ऑफ वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड। ठीक है ना, ये हो गया। एक और इसमें एक और इंपॉर्टेंट हम ऐड कर लेते हैं, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड एंड ये अलग अलग है, फ्री वेक्टर्स एक साथ ही लिख देते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, लोकलाइज वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ये बोला है कि एक वेक्टर किसी पॉइंट से पास कर रहा है, अ वेक्टर पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट, अ स्पेसिफिक पॉइंट, लाइन की तरह बिहेव करेगा ये, इज कॉल्ड अ लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है ना, इसका जो इफेक्ट होगा वो कहां लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना, है ना। हम ये बोल सकते हैं कि उस अगर मान लो फोर्स है या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट होगा डिपेंड्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, है ना। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इसका इफेक्ट उसके लाइन ऑफ पर डिपेंड करता है, लाइन ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है, तो फ्री लोकलाइज वेक्टर कहलाता है। इसी के विपरीत जो फ्री वेक्टर होगा उसका इफेक्ट किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। यानी कि अ फ्री वेक्टर ऑन द अदर हैंड कैन बी टेकन एनीवेयर इन स्पेस, एनीवेयर इन स्पेस, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एनीवेयर इन स्पेस, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई भी एक आर्बिट्री एनीवेयर इन स्पेस तो आप पूरा कर दे बाय चूजिंग एनी आर्बिट्री इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। चूजिंग any arbitrary initial point, कहीं भी बना लो, बस डायरेक्शन से मतलब है उसके,
ठीक है ना, जैसे प्लेन के ऊपर नॉर्मल बनाना है, एक प्लेन है प्लेन के ऊपर नॉर्मल बनाना है, कहीं बना लो प्लेन के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ बनेगा। जैसे मान लो एक आपका एक प्लेन है, मान लो ये प्लेन है आपका, इस प्लेन पे आपको मान लो एक परपेंडिकुलर चाहिए, तो कहीं यहां बना लो, कहीं बना लो, ये बना लिया मैंने नॉर्मल वेक्टर बना लिया इस प्लेन के ऊपर, जो भी आप यहीं बनाओ, यहां भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो आप इसको, तो ये फ्री वेक्टर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर आता है आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एक बार हेडिंग इसको चेंज करें, इसकी हेडिंग डाला जाए ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स को हम लोग, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी एडेड, टू प्रोड्यूस अ न्यू वेक्टर। Called the resultant of their addition, resultant vector C मान लेते हैं, यानी कि C is equal to A plus B। अब सवाल ये उठता है कि जो C है इसकी direction क्या होगी, ठीक है ना, how do we know the direction of c vector? The resultant of the sum, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं दो लॉज। तो एक तो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है ना, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बताऊं क्या है, ठीक है ना। हाँ, फिगर में देखेंगे, इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स along OA and OB, ठीक है ना, of a parallelogram, ऐसा कुछ है, ये O, ये सपोज करो आपका ए वेक्टर है ओ ए के अलोंग, ठीक है ना, ये सपोज करो आपका बी वेक्टर है ओ बी के अलोंग, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है मान लो थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम, ऐसे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे, इसको मान लो मैं पी पॉइंट ले लेता हूं, तो ये जो वेक्टर बनेगा इस डायगोनल के अलोंग, पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर बनेगा ये वाला, ये जो वेक्टर होगा ये आपका ए प्लस बी को डिनोट करेगा,
then the vector a plus b will be along the diagonal of the parallelogram. Along the diagonal of the parallelogram, coterminous edges along A and B. ठीक है ना, ये जो तीनों वेक्टर है इसी O पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो ये आपका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये ठीक है ना डायगनल्स के अलोंग आपका रिजल्टेंट जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो OB वेक्टर है और ये जो OP वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको भी मैं B बोल सकता हूँ। ये A वेक्टर है और ये वाला वेक्टर भी आपका A वेक्टर ही कहलाएगा, क्योंकि फ्री वेक्टर है, चाहे इसको बोलो A पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो मतलब वास्तव में ये दोनों का डायरेक्शन सेंस एक ही है, तो ये दोनों एक ही वेक्टर हो गए, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो गया, ठीक है ना। यहीं पर ही अगर हम बोले ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर बात करें, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का ही एक एक्सटेंशन है। देखो ध्यान से, इफ इसी फिगर में देखो, आप इसी ओ ए पी वाले फिगर में देखो, इन ट्राइंगल ओ ए पी इन द अबव फिगर, ऊपर वाले फिगर में ही आप देख सकते हो, हाँ ए वेक्टर जो है इज अलोंग ओ ए एंड बी जो वेक्टर मैंने लिया, देखो ये वाला वेक्टर ले लू अगर, इज अलोंग एपी, देन इन दोनों का जो सम होगा, देन ए प्लस बी विल बी अलोंग द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल यानी कि ओपी के अलोंग होगा, ये आपका सम, ठीक है ना। यहीं पर ही इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। यहां पर एक पॉलीगन इन्वॉल्व है आपका, फिगर में देखेंगे ओ, एक वेक्टर इधर है इसको ए बोल देते हैं, एक वेक्टर इधर है इसको बी वेक्टर बोल देते हैं, ऐसे करके एक वेक्टर इधर है इसको सी वेक्टर, देखो सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन की तरफ है, देखो ए वेक्टर इधर ये ऐसे एक डायरेक्शन पर जा रहे हैं, और एक वेक्टर ये मान लो ये डी वेक्टर है। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ये जो वेक्टर होगा आपका ऑपोजिट, ये ई वेक्टर है मान लो, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो सेम साइड वाले वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन सेंस तो नहीं बोलेंगे, जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं, ए वाले को बी वाले को सी वाले को और डी वाले वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, देखो यहां से ये ऑपोजिट जा रहा है,
ये ई वेक्टर के इक्वल होगा, ये आपका पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन होगा, मल्टीपल वेक्टर्स भी ऐड होंगे, ठीक है ना। यहां पर एक चीज और हम ऐड करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन दो चार प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो हम ये लिख सकते हैं कि चाहे आप ए और बी को करो ऐड, चाहे इसको उलट दो, ए प्लस बी इक्वल टू बी पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, अगर तीन वेक्टर्स को ऐड करना हो ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप अंदर वाले को पहले कर लो, चाहे आप पहले दो को पहले ऐड करके फिर इसके रिजल्टेंट को इससे ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोल सकते हो आप कि किसी वेक्टर को अगर हम जीरो वेक्टर के साथ ऐड कर दें तो उस वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जीरो वेक्टर इज एडिटिव आइडेंटिटी। और चौथा वाला, अगर मैं किसी ए वेक्टर को उसके ऑपोजिट वाले वेक्टर से ऐड कर दूं तो मुझे जीरो वेक्टर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो माइनस ए जो है इज द एडिटिव इनवर्स, तो ये चार ऐसे हम बेसिक प्रॉपर्टीज हम एडिशन के ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है, दूसरा ऑपरेशन आपका आ सकता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बिल्कुल एडिशन की तरह ही है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, देन ए माइनस बी इज एक्चुअली ए प्लस नेगेटिव ऑफ बी, ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगर मैं इस फिगर पे देखूं तो मान लो आपका ये एक वेक्टर आपके है, इधर को ए आपका ये गया, ये ए है मान लो, ये आपका सपोज बी वेक्टर है, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये आपका बी वेक्टर है। हम क्या करेंगे, माइनस बी क्या होगा, इसके ऑपोजिट दिशा में जाना पड़ेगा ऐसे। तो यहां पर मैं बी डैश ले लेता हूं और जो ये वेक्टर होगा ये माइनस बी वेक्टर होगा। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो ये पैरेललोग्राम मेरा ये पूरा करना पड़ेगा, और ये जो वेक्टर बनेगा मेरा, ये वेक्टर बनेगा मेरा ए माइनस बी वेक्टर। और अगर मैं यहां पर पैरेललोग्राम पूरा कर दूं, इसको P ले लेता हूं, इसको P डैश ले लेता हूं, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा मेरा, डॉटेड नहीं उसे ऐसे बना लेते, ये वाला वेक्टर आपका इस सम को रिप्रेजेंट करता है, A प्लस बी सम को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा गौर करने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा,
ये जो वेक्टर मैंने बनाया, ये ओपी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर भी पैरेलल होंगे, है कि नहीं? तो देयरफॉर अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो आप यहां पर आप देखोगे कि जो ओपी है वो पैरेलल होगा बी ए के, ठीक है ना? तो यानी कि ओ बी पी ए इज अ पैरेललोग्राम। ये देखो पैरेललोग्राम बन गया आपका, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो पैरेललोग्राम बन गया है। देयरफॉर ए माइनस बी, ठीक है ना? तो जो ए माइनस बी मैंने बनाया है, ये आपका ओपी वेक्टर भी हो सकता है, और क्योंकि फ्री वेक्टर है, चाहे यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं, ये बी ए वेक्टर भी हो सकता है। विच इंप्लाइज ए माइनस बी किसके अलग, ये आपका लाल वाला जो मैंने बनाया है, ये आपका ए माइनस बी वेक्टर बन गया। यानी कि यहां पर नोट करने वाली चीज है कि इफ ए एंड बी आर अलोंग टू को टर्मिनस, एजेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन ए प्लस बी जो होगा ये होगा किस डायरेक्शन में, इज अलोंग द पैरेललोग्राम को टर्मिनस विद द टू वेक्टर्स, इज अलोंग द डायगोनल को टर्मिनस विथ द टू वैक्टर्स। और जो ए माइनस बी होगा इज अलोंग द सेकेंड डायगनल, जो दूसरा डायगनल बचा हुआ है उसके अलोंग होगा। सेकेंड डायगनल के अलोंग डायरेक्टेड फ्रॉम बी टू ए, ये भी देखने वाली चीज है, फ्रॉम बी टू ए, ये आपका ए माइनस बी। तो इसी फिगर में सब्ट्रैक्शन इस तरह को होगा। ठीक, दो क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन हम ये पकड़ते हैं इसमें, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, such that a plus b का mod और a minus b का mod equal है, then find angle between a and b। ऐसे है देखो, ठीक है ना? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो, इसमें ये कह रहा है कि a प्लस बी बोथ द डायगनल्स है ना, एक डायगनल a प्लस बी है, एक डायगनल a माइनस बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू a minus b implies both diagonals of a parallelogram are equal,
both diagonals of a parallelogram are equal, जब दोनों diagonals equal होते हैं, therefore जो given parallelogram होगा is a square और rectangle, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर a और b का magnitude same हुआ तो square हो जाएगा, otherwise rectangle तो होगा ही होगा. तो अगर ऐसा है तो therefore जो required angle की बात हम कर रहे हैं, angle between a and b, नाइंटी degrees का हो जाएगा. ठीक है ना, एक और क्वेश्चन उठाते हैं. If sum of two unit vectors, sum of two unit vectors is a unit vector again, if sum of two unit vector is a unit vector, prove that magnitude of their difference is under root of 3. ये आपका क्वेश्चन. ठीक है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं ऐसे कुछ बनाऊं, ओ ये अगर ए है, ये वेक्टर अगर ए है, ऐसे बनाऊं, ये वेक्टर अगर बी है, अगर ऐसे बनाऊं, पैरेललोग्राम यहाँ को कंप्लीट कर दिया मैंने वैसे, तो ये वाला वेक्टर भी बी के अलॉन्ग ही होगा, पैरेललोग्राम बना है, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, और ये ए भी, ये भी बी है और ये ए है, ये पैरेललोग्राम बन गया, और ये वाला भी ए ही होगा, और ये सम को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, और ये वाला आपका डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा. तो यानी कि जो आपका ओबी होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा सम को, और आपका जो सी ए होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को, डिफरेंस. तो बेसिकली मेरा एम जो है मेरा सी ए का मॉड निकालना है, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये मुझे निकालना है बेसिकली. ठीक है ना, और यहां पर आपको गिवन है, क्या क्या गिवन है, हाँ आपको गिवन है कि मॉड ऑफ ए जो वेक्टर है, मॉड ऑफ बी जो वेक्टर है, और मॉड ऑफ ए प्लस बी जो वेक्टर है, ये तीनों का मॉड वन है, यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ये वाला, ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल अच्छा, अब मुझे निकालना है सी ए, देयरफॉर सी ए निकालना है, कोसाइन रूल लगा सकता हूं मैं, लेट सी ए का मॉड को मैं एक्स ले लेता हूं, तो देखो देयरफॉर बाय कोसाइन रूल कुछ भी लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं,
कोसाइन रूल, क्या होगा कोसाइन रूल से कि हाँ यानी कि ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 120 डिग्रीज इज इक्वल टू, ठीक है ना, हाँ एक्स स्क्वायर। तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया और ये कॉस 120 डिग्रीज, कॉस 20 डिग्रीज की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन बाई टू। तो यहां से थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इंप्लाइज एक्स इक्वल टू रूट थ्री, और एक्स मेरा क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी है, लेकिन मेरा रूट थ्री है, ये मैंने कोसाइन रूट से बताया। ठीक है ना, अगला टॉपिक जो आता है आपका, अगला टॉपिक आपका आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है ना। लेट ए बी एनी वेक्टर, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय अ स्केलर एम इज अ वेक्टर एम ए हूज डायरेक्शन इज अलोंग द वेक्टर A and whose magnitude is m times, whose magnitude is mod of m times the magnitude of vector A. कि ए की डायरेक्शन में ही मुझे एक नया वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये एक वेक्टर आपका ए वेक्टर है, ठीक है ना, तो ये मान लो आपका एक वेक्टर है और ये एक नया वेक्टर बन गया इसी डायरेक्शन में के, नया वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, ए वेक्टर है और ये आपका के, ठीक है। हाँ,
अगला टॉपिक आता है आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, a vector r is said to be linear combination of vectors a b C और भी हो सकते इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, स्केलर्स कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं, कुछ ले लेते हैं एक्स वाई जेड ले लेते हैं एक्स वाई जेड एक्सेट्रा सच दैट r वेक्टर होगा विच इज इक्वल टू x टाइम्स a वेक्टर प्लस y टाइम्स b वेक्टर प्लस z टाइम्स c वेक्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। यहां पर दो टर्म और आएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट independence and dependence of vectors। अब यहां पर देखिए, let a b C etcetera be a set of non-zero vectors, non-zero vectors if the linear combination if x y z extra are some scalars and x times a vector y times b vector or z times c vector करके आपको जीरो मिल जाए। ठीक है ना, x a plus y plus z c equal to जीरो मिल जाए, एंड इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी कुल जीरो मिल जाए और इसका मतलब ये हो कि एक्स वाई और जेड तीनों जीरो हों, तो हम ये बोलेंगे कि जो ए बी सी है वो इंडिपेंडेंट है, देन द वेक्टर्स ए बी सी आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी तरह से सेम चीज
एंड इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी ने मिलकर आपको जीरो दिया, और इसका मतलब हो गया कि एट लीस्ट ऑल ऑफ एक्स वाई जेड एक्सेट्रा और भी अगर हैं तो एक्सेट्रा आर नॉट जीरो, यानी कि एक्स वाई और जेड के जीरो नहीं होने के बावजूद भी आपको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो मिल रहा है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए बी सी में आपस में कोई रिलेशन हो, ठीक है ना। देन हम ऐसा कुछ केस में हमें बोलेंगे कि जो ये ए बी सी जो और भी अगर कुछ हैं दे आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये दो चीजें हो गई, ठीक है ना, एक ये और एक दो चीज। ठीक है ना, मैंने ले यहां पर यहां पर आपको देखना पड़ेगा दो तीन। हाँ, कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स की बात करते हैं। पहले तो उसको ये लिख सकते हो आप कि अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, बहुत सारे वेक्टर्स आपके पास हैं, आर सेट टू बी कोप्लेनर। आर सेट टू बी कोप्लेनर If their supports are parallel to the same plane, ये ध्यान से देखो, if their support, उनकी जो support line है, are parallel to same plane, ये देखिए, ये आपका ठीक है ना। यहां पर एक थ्योरम आती है इंपॉर्टेंट ही, आपको बताऊंगा एक थ्योरम ये है कि लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, टू वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी, कोप्लेनर विद ए एंड बी। एक काम करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं, एनी वेक्टर आर कोप्लेनर विथ ए एंड बी कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज आर वेक्टर, को मैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, ये कहने का मतलब है एक्स ए प्लस वाई बी where x y are some scalar,
ये आपका, ठीक है ना। यानी कि इसको मैं इस लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं, नोट इफ थ्री वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर देन एनी वन ऑफ देम कैन बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। ये इसका मतलब कि हम इनमें से मान लो ए ले लो, तो ए को मैं लिख सकता हूं ऐसे एम ए प्लस एन बी वेयर एम एंड एन आर रियल कांस्टेंट। बोलो रियल कांस्टेंट को हम लोग स्केलर्स बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले थ्योरम का ही एक डिफरेंट रूप है, ठीक है ना। ये एक याद रखने वाली चीज है। अब जैसे मैंने सपोज दो वेक्टर्स के सारे तीसरा वेक्टर बना रहा हूं ना मैं, इसके मीनिंग भी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से लेते हैं, देखिए इफ इसका इफ ए एंड बी आर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, एंड आर कोई वेक्टर है लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, इसी के प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम आर को ऐसा लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम द अबव थ्योरम। एक्स और वाई कोई स्केलर होनी चाहिए, है ना, रियल कॉन्स्टेंट्स। एक्स और वाई आर स्केलर्स, ये आया देखो, ठीक है ना। अब ये जो एक्स ए को क्या बोलेंगे हम, एक्से को हम कुछ नाम दे सकते हैं। तो एक्से इज कंपोनेंट ऑफ आर, ये जो वेक्टर आर है एक्से का कंपोनेंट हो गया अलोंग ए, ए वेक्टर के अलोंग इसका कंपोनेंट हो गया। और वाई बी को हम बोल सकते हैं सेम कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो ये कंपोनेंट के नाम से जाने जाएंगे आपके, ठीक है ना। अच्छा इसी को जब मैं एक्सटेंड करूंगा, एक्सटेंड करके मैं देखता हूं इसको, हाँ रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ resolution of a vector in a plane, rectangular का मतलब है 90
डिग्री डायरेक्शन पे दो वेक्टर लूंगा मैं, उन्हीं के टर्म्स में वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ऐसे कोऑर्डिनेट प्लेन ले लिया, 2D पहले देखते हैं क्योंकि प्लेन बोला है, स्पेस नहीं बोला है। तो मैंने एक ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ये आपका ओ पॉइंट हो गया, ये आपका एक पॉइंट हो गया पी, एक्स कॉमा वाई। इस प्लेन पे मैंने एक वेक्टर बनाया, ओपी वेक्टर बनाया, ठीक है ना। अब इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, मैंने एक वेक्टर बनाया, लेट आई कैप बी यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने एक यूनिट वेक्टर बनाया आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने एक वेक्टर बनाया जे कैप। ठीक है ना। अब यहां से जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊंगा, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड x हो जाएगा, इसको मैं q ले लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड y हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां से जब मैं OP OQ नाम का वेक्टर बनाऊंगा तो वो हो जाएगा xi, है ना। इसका मैग्नीट्यूड x होना चाहिए, i तो डायरेक्शन ही है, xi। और उसी तरह से QP नाम का वेक्टर बनाऊंगा, y इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इसका j कैप की तरफ को है, वेक्टर बन गया ओके। देयरफॉर ये मैंने इस तरह वेक्टर बनाया एक, और ये मैंने वेक्टर बनाया दो, ठीक है ना। नाउ बाय ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आपका हो गया, ये जो ओ क्यू होगा और जो इसमें क्यू पी होगा, जब इनको ऐड करूंगा तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये ओपी वेक्टर बन जाएगा। तो देयरफॉर जो आपका ओपी वेक्टर है वो आपका आ गया एक्स आई प्लस वाई जे कैप। तो 2D में देखो तो हम ये बोलेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, देखो है ना, तो यहां से अगर इसको हम तोड़े तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको component of OP vector along x axis is xi cap, and similarly component of QP along y axis is y j कैप। देखिए सिमिलरली हम इसको स्पेस में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ रेक्टेंगुलर लूंगा मैं, ठीक है ना, ओब्लिक ले लेते हैं पहले, चलिए oblique resolution of vector in space, resolution of vectors in space, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सेम है यहां, अब लेकिन मैं इसमें परपेंडिकुलर ले रहा हूं, है परपेंडिकुलर ना ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं मैं। इफ ए बी सी
आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स इन स्पेस। तो यानी कि ए और बी मिलके एक प्लेन बनाएंगे, बी और सी मिलके दूसरा प्लेन बनाएंगे, ए और सी मिलके तीसरा प्लेन बनाएंगे, तो हमारे पास नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। देन एवरी वेक्टर इन स्पेस आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड सी। कैसे बनेंगे? ऐसे आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, वेयर एक्स वाई जेड आर स्केलर्स। ठीक है ना, फिगर देख के अगर बनाए ऐसे ऐसे बनाते हैं। एक काम करते हैं, खुद ही हाथ से बना लेते हैं इसको। ये बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना दिया। ये तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, ओब्लिक है ना, ये कोई एक्स वाई जेड नहीं बनाया है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन पे मैंने एक वेक्टर बनाया है। ये सपोज करो ए डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन पे ए है, इस डायरेक्शन पे मान लो यहां इस डायरेक्शन पे हम बी मान लेते हैं, इस डायरेक्शन पे मान लो हम सी मान लेते हैं। तीनों वेक्टर्स आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी मैं ऑब्लिक बोला है तो परपेंडिकुलर नहीं ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है ना। अब ये सपोज करो एक पॉइंट पी है आपका, ये पॉइंट आपका पी है, ये इस वेक्टर को हमें रिजोल्व करना है इन तीनों वेक्टर्स के अलोंग। तो पी के ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हम क्या करते हैं पी से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप किया, इसको ज्वाइन किया, तो एक पैलो पैलो पाइपेट वाली चीज बन जाएगी ऐसे, ये ऐसे। ठीक है ना, और ये लीजिए सिंपल हो गया। तो ये लेंथ मान लो सपोज करो पी के कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई जेड है, ये कोऑर्डिनेट्स आपके एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं कि इसके रिस्पेक्ट में। तो ये लेंथ मैंने एक्स ए ले ली, एक्स ए ये वेक्टर, सॉरी ये वाला वेक्टर, ये मैंने वाई बी ले ली, और ये ऊपर वाला इसको जेड सी ले ली बस। तो पहले मैं इसको निकालूंगा देखो, फिर इसके बाद मैं इसको निकालूंगा, ये आपका देखो बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से अब जो राइट जो फिगर बना हुआ है उसको ध्यान से देखोगे अगर आप, तो
इसका नाम दे देते हैं ओ, इसको पी तो दिया ही हुआ मैंने, पी यू आर वी एस टी क्यू, तो क्यू लिख ये आपका, ठीक है ना। यहां से अगर आप ओ यू को देखते हो, ओ यू देखो इस पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लग गया, देखो ओ यू ये वाला जो वेक्टर ग्राफ देखते हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ओ यू आपका बन गया एक्स ए प्लस वाई बी, पैरेललोग्राम लॉ लगा के मैंने ये लिखा। अब मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं, ये इस ट्रायंगल को, ठीक है ना, ये वाला जो वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा जेड सी, है ना, ये देखो इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल बनाया मैंने ये जेड सी इक्वल, ठीक है ना। तो अब ये देखो अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हो ये, तो देखो एक पैरेललोग्राम ये बन रहा है। मैंने इस बार इसमें पैरेललोग्राम लगाया था किस पे, क्वाड्रिलेटरल ओ आर यू क्यू। अब मैं दूसरे बार पैरेललोग्राम लगाने जा रहा हूं किस पे, क्वाड्रिलेटरल ओ यू पी एस, ध्यान से देखो, तो ये देखो ये डायगोनल बन गया है, तो देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू ओ यू प्लस यू पी, देख लो ओ यू तो पहले ही निकाल रखा है आपने, तो एक्स ए प्लस वाई बी और ये यू पी जो है वो आपका जेड सी हो गया। तो देयरफॉर एनी वेक्टर्स ओ पी कैन बी एक्सप्रेस, ये आर था मेरा ओ पी वेक्टर, इसको मैंने आर वेक्टर ले लिया ऊपर उसके हिसाब से आर वेक्टर, तो जो आर वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस एज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ये आपका। ठीक है ना। नाउ यहां पर हम नोट में लिखवा देता हूं उसको, इफ ए वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं क्या करता हूं ए वेक्टर को रिप्लेस कर देता हूं आई वेक्टर कैप से, ठीक है ना। ये जो बी वेक्टर है इज अलोंग वाई एक्सिस ले लेता हूं उसको, तो आपका जो बी वेक्टर है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं जे कैप वेक्टर से, और सी वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, तो यानी कि जो सी वेक्टर है मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं के कैप वेक्टर से, तो देयरफॉर ठीक है ना, तो देयरफॉर जो एनी वेक्टर आर, अब ए बी सी के जगह पर देयरफॉर आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं एक्स I प्लस वाई जे प्लस जेड के, हम किसी भी वेक्टर को ये लिख सकते हैं, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये आपका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है ना। अब जब रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन आ गया तो मतलब 3D आ गया आपका, हम बोलते हैं, बोल सकते हैं वेक्टर इन 3D प्लेन।
यहाँ पर आपको दो तीन चीजें और पढ़नी होंगी, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यहाँ पर आप एक चीज आ जाएगी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है ना, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल व्हिच अ वेक्टर ओपी makes with positive direction of x, ठीक है ना, ox oy and oz axis, then cos alpha, इसको मैं L से नोट करूंगा, cos beta, इसको मैं M से नोट करूंगा, and cos of gamma, इसको मैं N से नोट करूंगा, are called direction cosines of the vector. ठीक है ना, ये आपके डायरेक्शन को साइंस होती है। ठीक है ना, यहीं पर ही इसको अगर एक्सटेंड कर दें, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, देयरफॉर जो आपका ओपी वेक्टर बनेगा वो बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये बनेगा आपका, ठीक है ना, ये बनेगा। तो देयरफॉर यहां से जो आपका कॉस अल्फा होगा वो आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ x square plus y square plus z square, cos beta हो जाएगा y upon under root of x square plus y square plus r square, इसी को मैं l बोल रहा हूं, इसी को मैं m बोल रहा हूं। Similarly cos gamma जो हो जाएगा हो जाएगा z अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, r नहीं होगा ये z होगा, ये आपका हो गया n। ठीक है ना, अब यहां पर देखो दो चीजें हुई, एक ये जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, आप देख सकते हो उसको स्क्वायर करोगे जब आप, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आपका वन रहेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये आपका ये रहेगा कि हाँ
ऐसे लिख सकते हो एल अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन वाई इक्वल टू एन अपॉन जेड, ये ठीक है ना। इसको हम ये बोलेंगे वेयर एक्स वाई जेड आर डायरेक्शन रेशियोज, वेक्टर ओपी, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आप एक्यूट एंगल की बात कर रहे हो, इस पर आपने एक काम करना चाहिए, प्लस माइनस भी हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है। और एक चीज, तीसरी चीज ये हो सकती है, तो अगर मैं r वेक्टर बोलूं तो वो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, और अगर मैं r वेक्टर का यूनिट वेक्टर बोलूं तो मैं इसको एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बोल सकती हूं, ठीक है ना। यानी कि हाँ, जब ये कोई वेक्टर होता है उस केस में क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड, इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियोस बोलेंगे, और इस केस में आपका जब यूनिट वेक्टर होगा तो जो आपका एल एम एन होगा ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। ठीक है ना, ये आपका पोजिशन वेक्टर क्या होता है ये देख लीजिए। पोजिशन वेक्टर बस लास्ट टॉपिक है। हाँ, लेट क्यू बी एनी फिक्स पॉइंट इन स्पेस, द वेक्टर ओ क्यू इज कॉल्ड द पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू with respect to point O, यानी कि origin, मैंने O को origin ले लिया, तो ये आपका position vector हो गया, ठीक है ना। यानी कि let कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, देयरफॉर जो ओ क्यू वैक्टर बनेगा वो बनेगा एक्स आई कोऑर्डिनेट से डायरेक्ट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज पोजिशन वैक्टर ऑफ। ठीक है ना, अच्छा।
नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ पोजिशन वैक्टर ऑफ ए इज ए, इसका मतलब हुआ जो आपका ओ ए वैक्टर होगा वो आपका ए वैक्टर होगा। इफ पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, अगर B वेक्टर है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो OB वाली जो रे होगी वो इस B वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। देयरफॉर जो AB वेक्टर होगा वो क्या होगा, AB वेक्टर इज एक्चुअली OB माइनस OA वेक्टर, यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। यानी कि बी वेक्टर माइनस ए, ठीक है ना। मान लो ये आपका पॉइंट है ए, ठीक है ना, इसका पोजीशन वेक्टर, ये आपका पॉइंट है ए, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए है, ये एक पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो बी, ये आपका ओरिजिन है, ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये वेक्टर है ए वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या होगा, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर is equal to b vector, therefore ab vector equal to b vector minus a vector, ठीक है ना। ये हो गया आपकी पोजिशन वेक्टर ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ टू टर्म्स, ठीक है ना। इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।